फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर सैंडविच। और अभी मिठाइयाँ खा खा के बोर हो गए हो तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। और ये 2-in-1 रेसिपी है। पहले मैं आपको पनीर की भुर्जी बनाना बताऊंगी, और उसको मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है, और उसके बाद मैं उसका सैंडविच बनाऊंगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने ये सैंडविच बनाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं न्यू रेसिपी डालूं। पनीर सैंडविच बनाने के लिए मैंने पनीर लिया है। ये पनीर मैंने घर पे बनाया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 onion लिया है चॉप करके, और मैंने गार्लिक, जिंजर और चिली और टोमेटो लिया। इनका मैंने कढ़ाई लिया, उसमें ऑयल डाला, उसके बाद उसके अंदर चॉप किए हुए सारी चीज़ों को, जिंजर, गार्लिक, चिली और ऑनियन को डाल दिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पेस्ट का भी यूज किया है, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगे कि करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टोमेटो डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाए। तो यहाँ पे मैं पिंच हल्दी ऐड करूँगी, धनिया पाउडर 1 spoon, आप मसाले अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये मसाले का मैंने यूज किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कैप्सिकम 1 यूज किया है। तो कैप्सिकम डाल के उसके बाद हम इसे पकने देंगे, तब तक पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से थोड़ा पक नहीं जाए, तब तक मुझे करना है। उसके बाद हमने जो पनीर बना के रखा है वो पनीर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कैप्सिकम डालने से जो पनीर भुर्जी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ में हेल्दी भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गरम मसाले का यूज किया है। उसके बाद इसे हम मिला लेंगे, और उसके बाद ये हम टेस्ट के अनुसार साल्ट ऐड करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, इससे कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है भुर्जी का। तो यहाँ पे हमने सैंडविच के लिए हम ये भुर्जी रेडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पेपर भी डाला है हमने, और यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो हमारी ये पनीर की भुर्जी रेडी हो गई है। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट। तो ये हमारी पनीर भुर्जी रेडी हो गई है। इसके बाद हम इस भुर्जी से सैंडविच रेडी करेंगे। तो चलिए मैं सैंडविच बना के अब आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड। तो ब्रेड यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज किया है, आप चाहे तो जो भी आपको पसंद हो वो ब्रेड यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज किया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से घी लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे घी लगा रही, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं या ऑयल लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं एक साइड में लगा लूँगी, एक साइड में नहीं लगाऊँगी। तो इस तरह से घी लगाने के बाद अब मैं इसको तवे पे बनाऊँगी इस सैंडविच को, और आप चाहें तो सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो मैंने फिलिंग रेडी किया है पनीर का, वो मैं यहाँ पर डालूँगी, और उसके बाद इसे कवर कर दूँगी दूसरी ब्रेड से, जिस साइड से मैंने घी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे मैं इसको करने के बाद फिर मैं कवर कर देती हूँ, और फिर मैं इसको तवे के ऊपर सैंडविच बनाऊँगी। तो अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नहीं लगाना है बटर या ऑयल, जो भी आप यूज करें। तो एक साइड से हमने लगा दिया है और इसको रख दिया है। दूसरा स्लाइस भी मैं इसी तरह से रेडी करके, और इसको भी मैं तवे पे लगा लेती, सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूसरा भी, और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घी लगा के, और मैं दोनों साइड से सेक लूँगी सैंडविच को, बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और क्रिस्पी भी एकदम हो गया है। तो ये सवा सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, और साथ में हेल्दी भी बहुत होता है। तो आप ये सैंडविच बनाइए और खाइए, आपको बहुत पसंद है। क्योंकि अभी था रक्षाबंधन, तो बहुत हैवी हैवी खा के मन ऐसा हो गया है, मीठा मीठा खा के। तो आप ये सैंडविच ट्राई कीजिए, और एकदम जल्दी से बन जाता है, इसमें कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है इस सैंडविच को। तो ये फ्रेंड्स पनीर सैंडविच, वेज पनीर सैंडविच बहुत टेस्टी लगता है, और ब्रेकफास्ट स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हैं, बहुत पसंद आएगा आपको। अगर
अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।